हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू काजल्स किचन आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार इंस्टेंट अचार रेसिपी है इसके लिए आपको जो है अचार को धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है आप इसे झट से बनाकर तुरंत ही खा सकते हैं आंवला हमारी स्किन के लिए हमारे हेयर के लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है इसे आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं अचार बनाकर मुरब्बा बनाकर जूस बनाकर तो आज हम लेकर आए हैं अचार की रेसिपी तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ हमने एक पैन लिया है पैन में हम ऐड करेंगे आंवला मैंने यहाँ पे 400 ग्राम आंवला लिया है आंवले को अच्छे से वॉश करके हमने यहाँ पे गर्म पानी में इसे डाल देना है और हमें जो है इसे अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से पक ना जाए इसका कलर तो चेंज हो गया है अभी हम इसे जो है चेक कर लेते हैं क्या ये अच्छे से पका है या नहीं तो हम यहाँ पर एक फॉक लेंगे और फॉक से इसे हम एक बार चेक कर लेंगे हमारे यहाँ पे आंवला जो है अच्छे से अभी जो है पक्का नहीं है इसके लिए हम जो है इसे साइड पे रख देते हैं ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए तब तक हम जो है इसके लिए एक मसाला रेडी करते हैं एक पैन लिया है इसमें हमने ऐड किया है मेथी दाना वन टेबल स्पून और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे सौंफ फैनल सीड्स जिसे कहते हैं और ये मैंने लिया है डेढ़ टेबल स्पून इसमें डाल देना है अच्छे से मिक्स करना है इसे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें एक सौधी सी खुशबू ना आने लगे और इसका जो कलर है चेंज ना हो जाए हमारा यहाँ पे मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है एक सौंधी सी खुशबू आने लगी है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मसाले को ठंडा हो जाने पर हम इसे जो है ग्राइंड कर लेंगे अभी हम यहाँ पे आंवला को चेक कर लेते हैं फोक लेंगे और फोक को इसके अंदर डालेंगे अच्छे से आंवले के अंदर जा रहा है आप देख रहे हैं बिल्कुल ईजली जो है आंवले के अंदर जा रहा है अभी हमने इसका पानी जो है अलग निकाल देना है और आंवले को यहाँ पर ले लेना है आंवले के पानी को जो है फेंकना नहीं है इसे आप ठंडा करके जो है पी सकते हैं बहुत ही हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है अभी हमने यहाँ पे आंवले के ना कुछ इस तरह से पीसेस कर लेने हैं आप चाहे तो यहाँ पे नाइफ के साथ भी पीसेस कर सकते हैं या फिर आंवले को थोड़ा सा दबाएंगे तो इसके जो पीसेस हैं अलग से निकल आएंगे और मैंने यहाँ पे कुछ तो इस तरह से निकाले हैं कुछ मैं यहाँ पे नाइफ से जो है इसे इस तरह से कट कर रही हूँ इसके सीड को अलग निकाल देना है और आंवले को इस तरह से हमें पीसेस कर लेने हैं बाकी बचे आंवले को भी हम जो है इसी तरह से कट कर लेंगे मैंने यहाँ पे आंवले को कट कर लिया है और अभी हम यहाँ पे लेंगे एक पैन और पैन में हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऑयल यहाँ पे वन टेबल स्पून ऑयल लेना है ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे गर्म हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जो हमने रेडी किया था वो इसमें हमने डाल देना है मैंने यहाँ पे वन टेबल स्पून मसाला लिया है जो हमने जो है बनाया था उसे ग्राइंड करके इसमें डाला है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर हाफ टी स्पून और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे नमक नमक मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून लिया है आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है आप रिफाइंड ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं उससे भी जो अचार है बहुत ही टेस्टी लगता है टेस्टी बनता है उससे भी अचार और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर आंवला आंवला इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने जो है बहुत ही कम मसालों से जो है आंवले का अचार रेडी किया है अभी हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर इससे अचार का कलर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा तो हमने इसमें डाल देना है अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमने यहाँ पे बिल्कुल लो कर देना है लो फ्लेम पर हम इसे जो है दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड्स आंवले में बहुत सा जो है वाइटमिन सी होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए भी तो आप इसे जो है इस तरह भी बनाकर आंवले को जो है खा सकते हैं आंवले का अचार बनाकर जिससे कि अचार जो है खाने के साथ बहुत ही टेस्टी भी लगेगा तो आप जो है इसे बना सकते हैं हमारे यहाँ पे आंवले का अचार जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है फ्लेम को ऑफ कर देंगे है ना बनाने में बहुत ही आसान तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग